हेलो फ्रेंड्स, कोटा किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे टिंडे की लाजवाब सब्जी। तो टिंडे की सब्जी बनाने के लिए यहाँ हम ले लेंगे 500 ग्राम टिंडे। इन्हें मैंने छील कर अच्छे से वॉश कर लिया है और इस तरीके से आप देख पाएंगे तो मैंने इस तरीके से इसमें कट लगाए हैं, एक और ये दो कट लगाए हैं इस तरीके से। तो सारे टिंडे इसी तरीके से कट करके रख लिए हैं। एक बड़ी साइज का प्याज लिया है, इसे रफली कट कर लिया है। एक बड़ा टमाटर लेंगे, इसे भी हम काट के रख लेंगे। 8 से 10 लहसुन की कलियां लेके रखी हुई है और 2 से 3 चम्मच फ्रेश दही ले लेंगे। आधा चम्मच गरम मसाला लेंगे साबुत वाला। 2 से 3 हम हरी मिर्च ले लेंगे। अब सबसे पहले गैस पर कढ़ाई रखेंगे और आंच को हमें मीडियम रखना है। तो इसमें 2 चम्मच तेल डाल दिया है। तेल के गर्म होते ही इसमें टिंडे डाल देंगे। तो तेल के साथ इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और 1/4 चम्मच इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे। साथ में डाल देंगे 1/2 चम्मच नमक। मिक्स कर देंगे इसे। और ढककर इसे 7 से 8 मिनट के लिए पका लेंगे। तो जब तक ये पकते हैं तब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो प्याज, टमाटर, गरम मसाला, लहसुन की कलियां और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। तो सबको इसका एक पेस्ट बना लेंगे मिक्स करके। तो ये देखिए, यहाँ पेस्ट तैयार है। अब हम टिंडों को चेक कर लेते हैं। तो 7-8 मिनट हो चुके हैं इन्हें पकते हुए और ये पककर तैयार है। 80% टिंडे हमारे पक चुके हैं। तो इन्हें हम तेल से अलग कर लेंगे। अब इसी तेल में हम थोड़ा सा तेल और डालेंगे। तो मैंने यहाँ 1 चम्मच तेल और डाला है। तेल के गर्म होते इस पे दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे, कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे और अब हम इसमें जो हमने पेस्ट तैयार किया था वो डाल देंगे। पेस्ट को तेल के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद इसमें कुछ सूखे मसाले मिलाएंगे। तो यहाँ मैंने हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर डाला है। मिक्स कर देंगे इसे अच्छे से और ढककर इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए पका लेंगे। एक 1.5 मिनट बाद हम चेक करेंगे। तो मसाला हमारा यहाँ पक चुका है। तो अब हम इसमें दही ऐड करेंगे। तो दही को डालकर हमें कंटिन्यू से चलाना होगा ताकि दही फटेगा नहीं। तो 1 मिनट तक मैंने इसको अच्छे से चलाया है और अब मैं इसे ढककर पकाऊंगी। तो मैंने 1/2 से 1 मिनट फिर से ढककर पकाया था और अब मसाले का तेल अलग हो चुका है। तो मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करूंगी। तो नमक हमें हिसाब से डालना है क्योंकि हमने टिंडे में भी नमक डाला था। तो मसाला तैयार है। इस स्टेज पर अब हम इसमें फ्राई किए हुए टिंडे डाल देंगे। मसाले में अच्छे से मिक्स कर देंगे इसे और इसमें 1/2 कप पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद इसे ढककर हमें पकाना है। तो इसे हमें मिक्स कर लेना है पहले और अब हम इसे ढककर पकाएंगे। तो यहाँ मैंने 1.5 मिनट इसे पकाया है और 1.5 से 2 मिनट बाद हमारी टिंडे की सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें हरा धनिया डालेंगे। तो यहाँ मैंने धनिया की पत्तियाँ ऐड कर दिए और अब टिंडे की सब्जी सर्व करने के लिए तैयार है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको टिंडे की सब्जी की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।